इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। करनाल में सीएम मनोहर लाल की बड़ी घोषणा, नगर निकायों में बीसीए को आरक्षण की घोषणा की गई है। तो पंचायती राज के बाद नगर निकायों में भी आरक्षण, बीसीए वर्ग को दिया जाएगा आरक्षण। तो ये बड़ी और अहम खबर है, आपको बता दें, जहां पंचायती राज के बाद अब नगर निकायों में भी बीसीए आरक्षण दिया जाएगा। सीएम ने ये बड़ी घोषणा की है। करनाल में सीएम मनोहर लाल ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि नगर निकायों में बीसीए वर्ग को आरक्षण दिया जाएगा। तो पंचायती राज संस्थाओं की तर्ज पर यह आरक्षण दिया जाएगा। वहीं सीएम ने कहा कि बीसीए वर्ग को आरक्षण दिया जाएगा। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी। तो नगर निकायों में बीसीए वर्ग को आरक्षण की घोषणा सीएम मनोहर लाल ने की है। वहीं उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं की तर्ज पर ही आरक्षण दिया जाएगा, तो बीसीए वर्ग को दिया जाएगा आरक्षण। करनाल में सीएम मनोहर लाल ने ये बड़ी घोषणा की है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी। तो पंचायती राज संस्थाओं की तर्ज पर आरक्षण दिया जाएगा, बीसीए वर्ग को दिया जाएगा आरक्षण। तो नगर निकायों में भी बीसीए वर्ग को आरक्षण की घोषणा सीएम मनोहर लाल ने की है। इस वक्त की बड़ी अहम जानकारी आपको बता रही, जहां पंचायती राज संस्थाओं की तर्ज पर अब बीसीए वर्ग को भी आरक्षण दिया जाएगा। तो नगर निकायों में बीसीए वर्ग को आरक्षण की घोषणा सीएम मनोहर लाल ने की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां सीएम मनोहर लाल ने करनाल में ये बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि बीसीए वर्ग को भी आरक्षण दिया जाएगा। और क्या कुछ कहा सीएम मनोहर लाल ने वो भी आपको सुनवाते हैं। पंचायती राज संस्थाओं में जैसे एक सज्जन हमारे कैप्टन साहब बोल रहे थे कि उनको आरक्षण के कारण से कितने सरपंच बता रहे थे बने, 31 सरपंच बने, और ये पहली बार बने होंगे जब बीसीए को आरक्षण दिया है। इसी प्रकार का आरक्षण नगरों में जो नगर पालिकाएं नगर परिषदें हैं उसके अंदर भी इस चुनाव से पहले लागू कर देंगे, ताकि आपके लोग उसमें भी आकर के चुनाव लड़ सकें, आगे बढ़ सकें।